आज क्लास नाइन्थ में पढ़ाने जा रहे हैं फाइलम सिलेंटेटा। तो बच्चों सिलेंटेटा जो नेक्स्ट फाइलम है इसको हम नाइडेरिया फाइलम भी कहते हैं, मतलब नाइडेरिया या सिलेंटेटा। नाइडेरिया मीन्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इसके बॉडी के जो बाहर हिस्सा होता है टेंटिकल्स, ये यहाँ पर लिखे टेंटिकल्स जिनको हम स्पर्शक कहते हैं। उस स्पर्शक में ये देखिए छोटे छोटे से बने हुए हैं, ये कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, नीडल सुई की तरह संरचनाएं होती हैं जिनको हम नीडोसिल्स कहते हैं। नीडोसिल्स, नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट ये कोशिकाएं होती हैं जो इनके स्पर्शक यानी टेंटिकल्स पे पाई जाती हैं। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती हैं, यानी बाहर से आने वाले जो कोई जंतु हैं, कोई जो शत्रु होते हैं उनसे रक्षा करती हैं। तो ये टेंटिकल्स में होते हैं न्यूडोसेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इस फाइलम को नाइडेरिया फाइलम भी कहते हैं। तो इसमें लक्षण देखिए बच्चों क्या होते हैं, लक्षण इधर लिखा हुआ है कमेंट्स, लक्षण है। ये जंतु क्या होते हैं, मुख्यतः समुद्री होते हैं और जलीय होते हैं, मतलब अधिकांश जंतु जो हैं समुद्र के वाटर में होंगे, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ इस पानी में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ये जंतु क्या होते हैं, जलीय होते हैं, और इन जंतुओं में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इसमें अरीय सममित होती है, और इन जंतुओं का शरीर बेलनाकार और खोखला होता है। खास बात क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर जो गुहा होती है वो सिलेंट्रान होती है। बॉडी के अंदर एक गुहा होती है, खाली स्थान, उसको सिलेंट्रान कहते हैं, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। तो इनका शरीर खोखला होता है और ये रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, और इसमें क्या होता है, टिश्यू सिस्टम्स यानी जो शारीरिक संगठन है वो ऊतकी होता है, यानी ऊतक इसमें पाए जाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, स्पर्श और आपका उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र नहीं पाए जाते हैं। कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। इनमें क्या होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो दो स्तर का होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये जंतु। ये लिखा है डिप्लोब्लास्टिक यानी बाह परत, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाहरी बाहर की परत है, इसको हम बोलते हैं इपिडर्मिस, और अंदर वाली है गैस्ट्रोडर्मिस। इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, और इसके अंदर बीच में जो खोखला भाग है इसको बोलते हैं सिलेंट्रान्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेंट्रान्स, यानी इनकी देह गुहा को सिलेंट्रान कहते हैं। अगला है हॉलो बॉडी, मतलब खोखला से भी होता है। फिर है नीडोप्लास्ट सेल्स विद हिप्नोटॉक्सिन। अभी हम बता रहे थे इनके शरीर में यानी स्पर्शक में नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं पिन की तरह, तो उसमें क्या होता है, विद हिप्नोटॉक्सिन। बच्चों हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है, एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है, जब ये हाइड्रा बना हुआ है या कोई भी जंतु होगा, इनके स्पर्शक में जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनमें हिप्नोटॉक्सिन नामक केमिकल्स होता है। ये लिखा है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है, जब कोई शिकार इनके आसपास आता है तो ये क्या करते हैं, टेंटिकल्स उस शिकार को अपने चारों ओर से पकड़ लेके और उसमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं ब्लास्ट कर देती यानी पिन कर देती हैं, तो वो हिप्नोटॉक्सिन द्रव जो है उसके अंदर शिकार के अंदर पहुंच जाता है। तो वो जो कोशिका है वो नीडोब्लास्ट कोशिका ब्लास्ट होती है और फिर हिप्नोटॉक्सिन केमिकल्स उस शिकार के अंदर पहुंच जाएगा, यानी जिसको ये अपना भोजन बना रहा है। फिर क्या होता है, वो शिकार बेहोश हो जाता है, यानी इस प्रकार से टेंटिकल्स को शिकार को अंदर लेता है और फिर उस पिन को चुभा देता है, हिप्नोटॉक्सिन उसके अंदर जाएगा और वो शिकार बेहोश हो जाता है। और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हाइपोस्टोम्स यानी माउथ। हाइपोस्टोम एक जो भाग है यहाँ पर देखिए ये गोल भाग है, मुख यानी माउथ का कार्य करता है, और इसके द्वारा फिर वो जो शिकार है, जो जीव जंतु है जिसको खा रहा है हाइड्रा, वो अपने अंदर ले लेता है, यानी माउथ का कार्य करता है। हाइपोस्टोम क्या करेगा, माउथ यानी मुख का कार्य करेगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हाइड्रा जो है मुख से यानी हाइपोस्टोम से खाता भी है और निकालता भी है, जो मल जो है यानी उत्सर्जन का कार्य भी इसी से होगा, यानी हाइड्रा के लिए खाने और उत्सर्जन के लिए एक ही मार्ग होता है हाइपोस्टोम्स, उसी से खाता है उसी से बाहर निकालता है। तो ये था हाइपोस्टोम के बारे में। तो इन जंतुओं का शरीर खोखला और बेलनाकार होता है, रेडियल होता है, और ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं विद हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या है, मैंने बताया आपको कि जहरीला पदार्थ होता है वो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है।
होती है, और इसमें क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब जो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इन जंतुओं में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे फाइसेलिया, फाइसेलिया में क्या होता है लैंगिक जनन जो होगा पॉलिप और मेडुसा। ये देखिए लिखा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता, पॉलिप एंड मेडुसा दो अवस्थाएं होती हैं बच्चों, लैंगिक अवस्था को पॉलिप और अलैंगिक अवस्था को मेडुसा कहते हैं। तो ये पॉलिप और मेडुसा दो अवस्थाएं होती हैं, जो बेलनाकार होता है यानी लंबे शरीर होते हैं इस प्रकार से लंबा और खोखला होता है उसको पॉलिप कहते हैं, और जो तस्त्रीनुमा प्लेट नुमा होते हैं उसको मेडुसा कहते हैं। अगला है डाइजेशन इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कहता हो कैसा होता है इंट्रासेलुलर मतलब अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय मतलब भोजन जब अंदर जाएगा तो अंदर क्या है उसी के अंदर उसका पाचन हो जाएगा, खाने के लिए कोई आहार नाल उसमें नहीं होती है, कोशिकाओं के द्वारा ही पाचन हो जाता है। अगला है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जनन क्या होता है अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया है हाइड्रा, फाइसेलिया, कोरल और सी एनिमोन्स, ये जंतु हैं। इस फाइलम के कुछ जंतु हैं जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा ये बना हुआ है यहाँ पर, और फाइसेलिया, फाइसेलिया क्या बच्चों इसको बोलते हैं पुर्तगाली युद्धपोत, जंगी जहाज, पुर्तगाली युद्धपोत या इसको जंगी जहाज कहते हैं, उल्टे जंगी जहाज की तरह इसकी आकृति होती है, संरचना होती है, तो फाइसेलिया को जंगी जहाज भी कहते हैं, इसकी आकृति जहाज की तरह होती है। अगला है कोरल, कोरल क्या होता है बच्चों आपने देखा होगा कुछ लोग अंगूठी में जो मूंगा होता है पहनते हैं उंगलियों में, तो रिंग में जो मूंगा डालकर पहनते हैं वो कोरल होते हैं, और उस प्रकार से उसका मूंगा का निर्माण वहाँ से होता है, और कोरल लीफ जो होते हैं समुद्र में बन जाते हैं, जैसे देखा होगा पत्थर जो होते हैं जो तैरने वाले पत्थर होते हैं वो कोरल लीफ से बनते हैं, ठीक है। अगला है सी एनिमल्स, ये भी जंतु है एनिमल्स यानी समुद्री एनिमल्स हैं, और ये इधर फिगर बना हुआ है हाइड्रा का, हाइड्रा का फिगर बना हुआ देखिए बच्चों इस प्रकार से, हाइड्रा के ऊपर ये बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। अब ये टेंटिकल्स जिसको स्पर्शक कहते हैं इससे क्या होता है हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और मूवमेंट करता है, गति भी करता है, यानी हाइड्रा इस प्रकार से कलाबाजी करते हुए गोता लगाते हुए मूवमेंट करता है यानी गति भी करता है। तो इस टेंटिकल्स के द्वारा क्या करता है भोजन का कार्य भी होता है और प्रचलन का कार्य यानी चलने का कार्य भी होता है, और हाइड्रा ऐसे उल्टा चलता है, ठीक है, टेंटिकल्स को नीचे करके और अपनी इस बॉडी को उल्टा कर लेता है, तो फिर ये उल्टा चलता है इस प्रकार से। और देखिए इस प्रकार से इसे यहाँ पर इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, बाह्य परत को इपिडर्मिस, अंदर वाली को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और यहाँ पर देखिए फूला हुआ भाग है ये, इस भाग को बोलते हैं ओरी, ओरी मतलब अंडाशय। हाइड्रा क्या होगा अंडाशय इसमें होगा यानी टेस्टिस और अंडाशय दोनों होते हैं, द्विलिंगी जंतु होता है, तो यानी इसमें जो ओरी होंगे वो ओरी पहले मैच्योर हो जाती हैं, अंडाणु पहले बन जाते हैं, तो अंडाणु क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं और शुक्राणु से निषेचन करते हैं, और इसमें निषेचन कैसे होगा आंतरिक होगा और बाह्य होगा, बाह्य निषेचन ही अधिकार मोस्टली होता है इसमें जो पानी के बाहर होता है, कुछ जंतुओं में आंतरिक भी होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बर्ड्स बनी हुई, ये मैंने बना रखा है ये इस प्रकार से, ये एक बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब कलिका, कलिका का मतलब अब ये हाइड्रा है पेरेंट हाइड्रा, और यहाँ से छोटा एक हाइड्रा बना है जिसको हम बर्ड्स कहते हैं कलिका, देखा होगा पौधों में केले में या किसी में साइड से कलिकाएं निकलती है और वहाँ से नया पौधा बन जाता है, तो ये अलैंगिक जनन के थ्रू बर्ड्स के द्वारा नया हाइड्रा बनेगा। और नीचे लिखा स्टोलन्स, ये स्टोलन भाग है जिसको आधार बेस भी कहते हैं यानी बेसल डिस्क कहते हैं, बेसल डिस्क मतलब ये वो आधार भाग होता है जहाँ से हाइड्रा जुड़ा होता है किसी पौधे से या किसी पानी से या किसी पत्थर से, तो इसको बोलते हैं स्टोलन्स यानी आधार बिंब भी कहते हैं इसको स्टोलन। तो ये बच्चों हाइड्रा की संरचना थी, और ये इधर थे फाइलम सिलेंटेटा के लक्षण। तो ये टॉपिक आपका फाइलम सिलेंटेटा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप।